फ्रेंड्स, तो आज बहुत दिनों के बाद दिल्ली के कुतुब मीनार जाना हुआ और आप सभी जानते हैं कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और उस समय की ये टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड थी। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप बोल के ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुतुब मीनार भी वन ऑफ दोज काइंड ऑफ बिल्डिंग्स ही है। इसका जो है पुराना आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड चॉइस ऑफ द स्टोन्स जिनसे ये बना हुआ है बहुत ही अमेजिंग है। तो दिल्ली जाएं तो ज़रूर देख कर आएं एक बार। और सारी कारीगरी और नक्काशियाँ आप देखिए कितनी बारीकी से और कितनी इंट्रिकेट करी हुई है सब, तो इन्हें देख के ही इनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये इसमें कलर्स के भी देखिए, अलग अलग कलर्स के स्टोन्स लगा लगा के इसको कितना कलरफुल बनाया हुआ है। ये जो बड़ा सा दरवाज़ा है और ये आयरन पिलर है, जो कभी रस्ट नहीं होता। पता नहीं क्या चीज़ इसमें मिलाई हुई है, कभी जंग नहीं लगता इसको। सोलह सौ साल पुराना ये पिलर है जो कि कभी जंग नहीं लगता इसको। फ्रेंड्स, साइंटिस्ट्स भी आज तक इसका पता नहीं लगा सके कि इसमें ऐसा क्या मिक्स किया गया है जिसकी वजह से इसको जंग नहीं लगता, यानी कि ये रस्ट ही नहीं होता। छोटे होते थे इस दरवाजे से ऊपर भी चढ़ के जाया करते थे, जितनी मंजिलों तक जा पाते थे ऊपर तक ये खुला हुआ होता था। लेकिन अब कुछ लोगों ने सुसाइड्स वगैरह कमिट की और कुछ शायद टाइम के साथ वो खराब भी होनी शुरू हो गई थी सीढ़ियाँ, इसलिए उन्होंने टोटली बंद कर दिया है, ताला लगा दिया है। देखिए इसके ऊपर देखिए डिजाइन में कंट्रास्ट कितना अच्छा दिया हुआ है, कहीं मार्बल तो कहीं रेड स्टोन लगाकर नेचुरल कलर्स के साथ कंट्रास्ट और इतनी अच्छी कार्विंग, सब कुछ बहुत ही अमेजिंग है उस टाइम का। ये देखिए, तो ये है जी दिल्ली का कुतुब मीनार। बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट है और वर्ल्ड फेमस भी है, तो कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।